मुक्काबाज, डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप जी का नाम सुनते ही हमारे सामने ब्लैक फ्राइडे और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों का नाम आता है। दोनों ही फिल्में मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है और इसीलिए मैं मुक्काबाज देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि अनुराग कश्यप जी पहली बार किसी स्पोर्ट्स ड्रामा के ऊपर फिल्म बनाने जा रहे हैं। कल ऐसा सोचकर ही मैं फिल्म देखने के लिए गया था कि आज कोई स्पोर्ट्स ड्रामा के ऊपर फिल्म देखने जा रहा हूँ, वो भी अनुराग कश्यप जी द्वारा डायरेक्ट की गई। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो फिल्म का फोकस स्पोर्ट्स के ऊपर तो बहुत ही कम था, लेकिन यहाँ किसी और ही इशू को अनुराग कश्यप जी हाईलाइट करना चाहते हैं, ऐसा पूरी फिल्म देखते समय हमें महसूस होता है। अब वो इशू कौन सा है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुक्काबाज के बारे में। मुक्काबाज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से। यहाँ के दबंग बाहुबली नेता दिखाए गए हैं भगवान दास मिश्रा। ये रोल निभाया है जिमी शेरगिल ने। उनकी परमिशन के बगैर यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी बॉक्सिंग की अगली लेवल पर नहीं जा सकता है। उनके अंडर उनके जितने भी चेले यहाँ पर दिखाए गए हैं उन सब में श्रवण सिंह सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होता है मुक्केबाजी में। ये रोल निभाया है विनीत कुमार सिंह ने और ये श्रवण सिंह भगवान दास जी से ही पंगा ले बैठता है। भगवान दास को यहाँ पर एक बहुत ही तामसी प्रवृत्ति वाला बाहुबली नेता दिखाया गया है। एक बार उनसे कोई पंगा ले लेता है फिर चाहे वो उनका बड़ा भाई ही क्यों ना हो तो वो उसे बर्बाद किए बगैर शांत नहीं बैठते हैं। और ऐसे भगवान दास से श्रवण सिंह पंगा ले लेता है और ऊपर से उनकी भतीजी से ही प्यार कर बैठता है। और श्रवण सिंह को यहाँ पर एक स्वाभिमानी कैरेक्टर दिखाया गया है और उसका ये स्वाभिमान ही भगवान दास को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है और इसीलिए वो उसे बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं पूरी फिल्म में। अब क्या ऐसी सिचुएशन में श्रवण सिंह मुक्केबाजी में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। एक्टिंग की अगर हम बात करें तो जिमी शेरगिल जी पूरी फिल्म में छा गए हैं। भगवान दास का कैरेक्टर उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से निभाया है कि उनकी तरफ देखकर सच में हमारा भी खून खौल जाता है। उनके अलावा विनीत कुमार सिंह ने भी श्रवण सिंह का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। मतलब हर एक सीन में हमें ये महसूस होता है कि यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया है। इन दोनों के अलावा पूरी फिल्म में हमारा कोई ध्यान खींचता है तो वो है रवि किशन जी। संजय कुमार नाम के कोच का जो उन्होंने यहाँ पर रोल निभाया है ना, बहुत ही रियल वो वहाँ पर उस कैरेक्टर में लगते हैं। मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए इतनी बढ़िया तरीके से कास्टिंग की गई है यहाँ पर कि पूरी फिल्म देखते समय हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि यहाँ पर कोई एक्टिंग कर रहा है। संजय कुमार जी के कैरेक्टर के द्वारा जाति व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई को भी फिल्म हमारे सामने रखती है। अनुराग कश्यप जी ने इस पात्र के द्वारा समाज को आईना दिखाने का काम किया है। बाहुबली नेताओं की दादागिरी, उसके साथ ही पॉलिटिक्स की वजह से किस प्रकार से खिलाड़ियों का जीवन बर्बाद होता है, ये सभी बातें फिल्म में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई गई है। इसके साथ साथ ही जो खिलाड़ियों की कमी है उसको भी यहाँ पर हमारे सामने दिखाया गया है। मतलब जो खिलाड़ी है वो इन कॉम्पिटिशन्स की तरफ केवल एक सरकारी नौकरी पाने के जरिए की तरह देखते हैं, ये बात भी फिल्म में दिखाई गई है। इसके अलावा श्रवण सिंह और सुनैना इन दोनों की प्रेम कहानी को भी ठीक ठाक तरीके से दिखाया गया है। लेकिन शादी के बाद में सुनैना का कैरेक्टर जिस प्रकार से इरिटेटिंग बर्ताव करने लगता है, ना ही वो घर में किसी को मदद करती है, दिन दिन भर बैठी रहती है, अपने पति को भी परेशान करती रहती है, इसकी वजह से उस कैरेक्टर के साथ हम जुड़ नहीं पाते हैं। वो ऐसा क्यों कर रही है ये भी डायरेक्टर ठीक तरीके से स्क्रीन पर नहीं दिखा पाए हैं। ओवरऑल अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म कुछ ज़्यादा ही लेंदी हमें लगती है। यहाँ पर कई सारे सीन्स ऐसे थे जिनकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। कम से कम 20 से 25 मिनट इस फिल्म को और ट्रिम किया जा सकता था। अगर टेक्निकली हम बात करें तो सिनेमेटोग्राफी, कैमरा एंगल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सभी बातें मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। फिल्म की एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये सब होते हुए भी ये फिल्म कहीं पर भी हमें अपने साथ एंगेज नहीं कर पाती है। एक तो इस फिल्म के सॉन्ग्स, मतलब फिल्म वैसे ही लेंदी है, ऊपर से इतने सारे सॉन्ग्स बीच बीच में डाले हुए हैं, उसकी वजह से ये फिल्म हमें और भी ज़्यादा बोर करने लगती है। और उसके अलावा फिल्म में जिस इशू को यहाँ पर अनुराग कश्यप जी हाईलाइट करना चाहते हैं वो है बीफ का इशू। इससे फिल्म मेकर्स को बचना चाहिए और उसकी वजह से फिल्म में हमारा फोकस कहीं पर भी बॉक्सिंग के ऊपर नहीं रहता है और फिल्म कहीं पर भी हमें एंगेज नहीं कर पाती क्योंकि हमारा मन कुछ और ही सोचता रहता है पूरी फिल्म देखते समय। और हम थिएटर में एंटरटेन होने के लिए जाते हैं यार, ना कि किसी डायरेक्टर की पॉलिटिकल सोच को देखने के लिए या उसके मन के विचार सुनने के लिए। डायरेक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को इससे बचना चाहिए क्योंकि आपका काम है एंटरटेन करना, आप एंटरटेन करिए। आपकी सोच हमारे सामने आप क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? और अगर आप किसी सेंसिटिव इशू को लेकर के फिल्म बना भी रहे हैं तो वहाँ पर बैलेंस मेंटेन करो यार। आप न्यायपालिका की तरह डायरेक्ट फैसला सुना देते हो, ये दोषी है, ये निर्दोष है, ये बहुत ही गलत बात है। इसकी वजह से इतनी अच्छी फिल्म भी हमें अपने साथ एंगेज नहीं कर पाती है। तो
तो कुल मिलाकर दोस्तों मुक्काबाज टीवी पर आने की राह आप देख सकते हैं। थिएटर में ही जाकर देखने जैसा कुछ मुझे इस फिल्म में लगा नहीं। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 2.5 स्टार्स की। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।